ई आल डियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्सनेट चैनल। तो आल डियर स्टूडेंट टुडे हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे पहले हम आप लोग को नोटिफाई कर देना चाहते हैं, नोटिफिकेशन दे देना चाहते हैं कि आप लोग का जो 2024 का बीएससी नर्सिंग का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका डेट जो है रिलीज कर दिया गया है। तो हमने जो है डेट के बारे में प्रीवियस वीडियो बना दिया है, आप उसको जो है जाकर देख लीजिए कि आप लोग का इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2/6/2024 मतलब जून में जो है 2 तारीख को संडे को जो है संडे के दिन जो है आप लोग का इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। अभी जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम का टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब कि यह जो शेड्यूल आया है यह कभी भी चेंज भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो टेंटेटिव शेड्यूल का जो टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम डेट है इंट्रेंस एग्ज़ाम का वह जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, जो प्लांट सेल होता है वह किसकी बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लिग्निन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिपिड की, सेकेंड है लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन की, एंड थर्ड है लिग्निन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस सेलुलोज की, एंड लास्ट ऑप्शन है लिग्निन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस ट्यूबुलिन प्लस सेलुलोज की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी वाला हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन से मिलकर जो है प्लांट सेल जो है बनी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे चल का मतलब जो है इसे इंग्लिश में जो है मोटाइल, चल का मतलब है ऐसा कोई स्पर्म जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपना लोकोमोटिव मूवमेंट करते हुए चला जाए। तो यहाँ पे पूछा है कि चल शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राइजोपस में, सेकेंड है फ्यूनेरिया में, थर्ड है साइकस में, एंड फोर्थ है फर्न में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइजोपस। जो राइजोपस होता है यह जो है एक प्रकार का फंजाई है, एक प्रकार का कवक है, फंगस है। इसमें जो है मोटाइल स्पर्म जो है एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि मुख्यतया किण्वन के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट है एल्डोलेज, सेकेंड है डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड है इन्वर्टेज, एंड फोर्थ है जाइमेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जाइमेज। यह क्वेश्चन जो है 2023 के इंट्रेंस एग्जाम में जो है पुटअप किया गया था, प्रीवियस ईयर इंट्रेंस एग्जाम में जो है यूपीबीएससी नर्सिंग के आया था यह क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन है संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए अगार अगार का उपयोग किया जाता है जिसे प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट है सार्गासम से, सेकेंड है जेलीडियम से, थर्ड है इलोथ्रिक्स से, एंड फोर्थ ऑप्शन है अलवा से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो जेलीडियम है इसी से जो है अगार अगार को ऑप्टेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि अनावृत बीजी की पत्तियों और तने की युवा विभिज्योतक कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र हो तो उसी अनावृत बीजी के भ्रूणपोष जो इंडोस्पर्म है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 16, सेकेंड दिया है 32, एंड थर्ड दिया है 24, फोर्थ दिया है 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। यहाँ पे बोला कि यदि अनावृत बीजी की पत्तियों और तने की युवा विभिज्योतक कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र है तो उसी अनावृत बीजी के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी 16। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है युवा व्यष्टि का अधिकतम अनुपात है। फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृत समिष्टि में, सेकेंड है घटती समिष्टि में, थर्ड है अस्थायी समिष्टि में, एंड फोर्थ है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विस्तृत समिष्टि में। यह क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन जो जनसंख्या पॉपुलेशन वाला चैप्टर है इससे जो है पुटअप किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के साल सोरिया रोबस्टा बाहुल्य वन कहलाते हैं। फर्स्ट है पतझड़ी वन, सेकेंड है सदाबहार वन, थर्ड स्क्रब जंगल, फोर्थ स्क्रब काटेदार वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला पतझड़ी वन। अगला क्वेश्चन है एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकेंड है सल्फर,
थर्ड है कैल्शियम एंड फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो सल्फर है, यही जो है जैव भू रासायनिक ऐसा चक्र है जो कि गैसीय अवस्था में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह गैसें हैं, यह क्वेश्चन 60 वाला और 59 वाला क्वेश्चन जो है 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किए गए थे दोनों क्वेश्चन। बस जो क्वेश्चन मतलब पूछने का तरीका यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखा गया है सिंपली में, तो वहाँ पे सिंपली में ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किया गया था। तो यहाँ पे हरित गृह गैसें हैं पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन है CO2, कामा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कामा मेथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कामा CO2 CFC, कामा CH4 तथा SO2, थर्ड ऑप्शन है CO2 CFC CH4 तथा NH3 एंड फोर्थ है CO2 CFC CH4 तथा N2। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वह जो है कौन से हैं इसमें से, इसी को बताना है आप लोग को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चारों ही जो क्या है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है टेडोफाइट ब्रायोफाइट से भिन्न है, फर्स्ट ऑप्शन है संवाहन पुलों में, सेकेंड है स्त्री धानियों में, थर्ड है पीढ़ी एकांतरण में एंड फोर्थ है चल शुक्राणु में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला, जो टेडोफाइट है वह ब्रायोफाइट से जो है संवाहन पुलों वैस्कुलर बंडल यहाँ पे हम डॉट कर दे रहे हैं, तो वैस्कुलर बंडल के उपस्थिति में जो है ब्रायोफाइट से भिन्न होते हैं टेडोफाइट। अगला क्वेश्चन है वह कोशिकांग जिसमें अधिकांश आक्सीकारी अपचयी एंजाइम पाए जाते हैं, फर्स्ट है लैनकाई, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंड लास्ट ऑप्शन है गाल्जीकाय। तो पूछा कि अधिकांश आक्सीकारी अपचयी एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी में मोस्टली जो है ज़्यादातर आक्सीकारी अपचयी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है DNA प्लस RNA के, सेकेंड है DNA प्लस RNA प्लस हिस्टोन के एंड थर्ड ऑप्शन है DNA प्लस RNA प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन के, फोर्थ ऑप्शन है DNA प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो क्रोमोसोम होता है वह जो DNA प्लस RNA प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है शलाका कोशिकाएं तथा दृक्संक पाए जाते हैं, फर्स्ट है आयरिस में, सेकेंड है कॉर्निया में, थर्ड है स्क्लेरोटिक में एंड फोर्थ है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो दृष्टिपटल रेटिना होता है इसी में रॉड्स और कॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज है, फर्स्ट ऑप्शन है पाइरेनोस पेंटोस शर्करा, सेकेंड है फ्यूरेनोज पेंटोस शर्करा एंड थर्ड है कीटोज हेक्सोज शर्करा, लास्ट है एल्डोज हेक्सोज शर्करा। तो ग्लूकोज जो है वह एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यह जो है एल्डोज हेक्सोज शर्करा है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है स्नायु बने होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं किसके बने होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कोलेजन के, सेकेंड है इलास्टिन पीत तंतु के, थर्ड है क्रिएटिन के एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, जो इलास्टिन पीत तंतु है इसी का जो है इलास्टिन एलो फाइबर है, इसी से जो लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रकीय भ्रूण है, फर्स्ट ऑप्शन है असंग जनिक अगुणित, सेकेंड है असंग जनिक द्विगुणित एंड थर्ड है उभय संघजनिक अगुणित एंड लास्ट ऑप्शन है उभय संघजनित द्विगुणित। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, असंघजनित द्विगुणित। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फर्स्ट ऑप्शन है अपचयित उष्माक्षेपित ऊर्जाजनिक व अपचय, सेकेंड है अपचयित उष्माशोषी व अपचय एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन है अपचयित उष्माक्षेपित व उपचय, लास्ट ऑप्शन है अपचयित उष्माशोषी व उपचय। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वह किस टाइप की प्रोसेस है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वह जो अपचयित उष्माशोषी व उपचय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है DNA में द्वि हाइड्रोजन बंध निम्नलिखित के मध्य बनता है, DNA में जो डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बिटवीन में बनता है बताना है,
फर्स्ट ऑप्शन है एडनिन थायमिन, सेकेंड है थायमिन, थर्ड है एडनिन गोवानिन एंड लास्ट ऑप्शन है थायमिन साइटोसिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, एडनिन इक्वल टू थायमिन के बीच जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। फर्स्ट है कोयम्बटूर तमिलनाडु 1912 में, सेकेंड है कोयम्बटूर तमिलनाडु 1937 एंड थर्ड है लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1912 एंड लास्ट है लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1937। तो जो इंडियन शुगर केन रिप्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है और किस ईयर में हुई थी ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, कोयम्बटूर तमिलनाडु 1937 में जो है भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव से हुई थी। यह भी क्वेश्चन जो है 2023 के एंटेंस 2022 के एंटेंस एग्जाम में जो है पुटअप किया गया था, 2022 में 23 में यह क्वेश्चन नहीं पुटअप किया गया था। तो पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव से हुई थी। फर्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट के, सेकेंड है पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट के, थर्ड है सोडियम आइसोथायोसाइनेट के एंड लास्ट ऑप्शन है इथिल आइसोथायोसाइनेट के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको याद करने का आप लोग को एक ट्रिक याद कर लेना है, बस मिक या फिर माइक्रो आप लोग इतना याद कर सकते हैं, मिक या माइक्रो। तो अगर हम आर ओ हटा देते तो बचता है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पल्स नीट, जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकल पल्स नीट के साथ। और आप लोग वीडियो में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसको भी बताएं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।